स्ट्राइक पे रौनक है और नॉन स्ट्राइक पे कमलेश। महिपाल गेंदबाज होंगे। समर्पण ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है और पहले ओवर की गेंदबाजी का कार्यभार संभाल रहे हैं महिपाल। और स्ट्राइक पर हैं रौनक और नॉन स्ट्राइक पे कमलेश, दोनों ही साले में बल्लेबाज तैयार। यही नहीं कि ये पहली गेंद, अच्छी गेंद, लो फुल टॉस थी, गैप में गेंद, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं और अच्छा बैकअप यहां देखने को मिला है। एक रन से खाता खुलता हुआ रौनक और टीम का। क्या तो से ढकेल दिया गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में और इसी के साथ कमलेश का भी खाता खुलता हुआ एक रनों के साथ। और ये एक रन की बदौलत टीम का स्कोर पर चौंच गया है 2 रन बिना किसी नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर 2 गेंदों में 2 रन बटोरने में कामयाब हुए दोनों ही सलामीबाज, एक एक रन से अपना खाता खोलते हुए। डॉट गेंद इसी के साथ तीसरी गेंद, कोई भी रन बटोरने में कामयाब नहीं हुए। टॉस गेंद थी लेग साइड के जाने में ढकेल दिया बाउंड्री लाइन के पास, अच्छी फील्डिंग, 2 रन जरूर बचाएं अपने टीम के लिए, 2 रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में। ये 2 रन के बदौलत रन संख्या जा पहुंची है 4 रन बिना किसी नुकसान पर। पहला ओवर अभी भी जारी महिपाल द्वारा। हमें गेंद, अच्छा प्रहार यहाँ पर फील्डर के सर के ऊपर से जाता हुआ, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज 4 रन। तेरी आँखें भूल भुलैया आते हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में आके लुकिंग फॉर यू बेबी। तेरी आँखें भूल भुलैया आते हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेजी। थैंक यू डीजे। एक ओवर के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान पर। तो
नीलेश शाह नई गेंदबाज से दूसरे ओवर की ये पहली गेंद थी, एक रन जोड़ता हुआ टीम के खाते में। दो रन आउट जुड़ता हुआ ये दूसरे ओवर की दूसरी गेंद थी। दो गेंदों में तीन रन दे चुके हैं अब तक नीलेश। हजार मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज धीमी और सटीक शुरुआत देते हुए अपनी टीम को। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, पूरी तरह से असफल हुए बल्लेबाज, सीधा कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के साथ तीसरा ओवर का तीसरा गेंद समाप्त हुआ और चौथी गेंद के लिए तैयारी एक बार फिर से नीलेश। हवा में गेंद, फील्डर मात्र दर्शक बने रह गए, सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी 6 रन। रौनक के बल्ले से निकलता हुआ ये 6 रन हवाई फायर, हवा में गेंद थी, फील्डर मार तो दर्शक बना रहेगा। एक बार फिर से एक्शन रिप्ले देखने को मिल रहा है, 6 रनों के लिए जाता हुआ सीमा रेखा के बाहर यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 6 रन। पच्चीस रन बिना किसी नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। दूसरे ओवर की ये आखिरी गेंद, 25 रन हो चुके हैं अब तक बिना किसी नुकसान पर। और एक दो ओवर के बाद 31 रन बिना किसी नुकसान पर।
पावर प्ले की ये पहली गेंद थी, एक रन और बढ़ोते हुए कमलेश और एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं रौनक, जो पिछली तीन गेंदों में तीन ताबड़तोड़ छह रन मारे थे। अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद थी। एक दो नहीं कमेटी वालों, 10 के 10 बोलो, 50 बोलो, कमेंटेड नंबर अभी दे देता हूं, लेकिन मुझे पता है एक साल बाद तुम लोग घूम फिर के कहां आने वाले हो। और वैसे भी प्रेम की आंच में 50 से कम 5 में कैसे करवाना है कोई तुम लोग से सीखे। हम कब से इनकी तारीखों के पुल बांध रहे हैं, इसके बावजूद जो है ये अभी भी तुम सो जाओ, सो रहे थे ना राहुल, तुम सो जाओ, तुम बकरे, तुम दोनों ही हलाल होने वाले हो। शंकर भाई गेंदबाजी के लिए आए हैं, पावर प्ले का ये ओवर, थर्ड ओवर। शंकर भाई जो आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अभी हाल ही में एक और बड़ा टूर्नामेंट नेवा में लीग खेला गया, उसके स्पोर्ट्स कमेटी के हेड हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, क्रिकेट का रेगुलर खेलते भी रहते हैं। अच्छी बात यह है बहुत बड़े क्रिकेट के लवर हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस गेम को। अच्छी बॉल विकेट का चांस था, थोड़ा मुश्किल था और कमिटमेंट। अगर माइक्रोफोन के आसपास से आपको खाकरो ढोकलो ये सब कुछ भी आवाज आ रही है तो आलोक नहीं है ना अरमान है ना मेरा जो एक और हमारे साथ हमारे भाई है ना वो है, ये सब कपिल भाई भरत भाई ये लोग ही है। ये मेंस कैटेगरी का आखिरी लीग मैच, इसके बाद वुमेन्स के तीन लीग मैचेस खेले जाएंगे, सो वुमेन्स की टीम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी रेडी हो जाइए। शंकर भाई गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों सलामी बल्लेबाज हैं, एक तरफ हैं रौनक दूसरी तरफ हैं कमलेश। ज़्यादातर रन्स आए हैं रौनक के बैट से, 32 रन बनाए हैं रौनक ने और 3 पर बैटिंग कर रहे हैं कमलेश, टोटल रन संख्या 35 पर पहुंची है। ऑफ स्टंप से बहुत बाहर, इस मरतबा वाइड बॉल का इशारा एम्पायर ने दिया है, ये पहला एक्स्ट्रा रन नज़र आ रहा है, इससे पहले सभी रन्स जो आए वो बल्ले से आए। अच्छी बैटिंग वंदना फैंस के लिए, सलामी बल्लेबाज रौनक और कमलेश ने अब तक की है, बगैर कोई विकेट गंवाए हुए 36 पर पहुंच चुकी है टीम वंदना फैंस। एक और मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर है, एक और वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने दिखाया स्कोरर की तरफ। यह बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग जिसे ऑर्गेनाइज करते हैं ब्रिंग, बोरीवली राजस्थान इंटर नेटवर्क ग्रुप, इस वर्ष के हमारे प्रमुख प्रायोजक हैं अहिंसा ग्रुप टीपीएस बोरीवली और उन्हीं के नाम पर इस इवेंट का नाम भी दिया गया अहिंसा कप। समय का भी ध्यान दें, बार बार ये निवेदन है, आज लीग मैचेस के साथ साथ जैसे ही लीग मैचेस कंप्लीट होंगे क्वार्टर्स की शुरुआत होगी, इस दरमियान गैप में खेला गया स्ट्रोक है, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस, ये आता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई शाह के सम्मान में ये चौका। गर्ल्स का अगला मैच है, मैं निवेदन करूंगा कि गर्ल्स की तीनों टीमें रेडी रहे, आई थिंक पहला जो मैच है वो तीर्थ ग्रुप और इनोवेशन के दरमियान है आज के दिन का जो ये फर्स्ट मैच है, एक बार शेड्यूल में वहां से चेक करके अपडेट कीजिएगा प्लीज साथी कमेंटेटर। वुमेन्स का फर्स्ट मैच अपडेट कीजिए एक बार माइक्रोफोन पर। 3 ओवर के बाद 43 रन बिना किसी नुकसान पर, 43 है स्कोर और नेक्स्ट मैच तीर्थ ग्रुप और इनोवेशन है क्या, एक बार कंफर्म कीजिए इमरान भाई, उसमें चेक करके बुक के अंदर लिखा हुआ है शेड्यूल, डे 2 में रेड पेन से लिखा होगा वुमेन्स का फर्स्ट गेम। तीसरा जो मैच है वुमेन्स का ही है, अमित
टीम टू वर्सेस थ्री। लेफ्ट साइड में टीम का नाम भी लिखा होगा सर रेड पेन से। बंदा जीना तो है जाना, तोहफा क्या लेके आइए ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के तो मीठे बोल झिल मिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया पर आउट आउट था या सिक्सर था, ये सिक्सर था, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज सिक्सर। इस भाई सिक्सर हुआ सो उसको अपडेट कर दीजिए। ये सिक्सर आई थिंक कमलेश जी के बैच से आया है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि हम लोग एज क्यों बता रहे हैं, उम्र सबकी क्यों बता रहे हैं। इसके लिए बता रहे हैं कि जो हमारी कमेटी है वो शादी ब्याह भी करा रही है। जो बैचलर्स है एलिजिबल है शादी के लिए, या जो अभी वो शादी की उम्र हो रही है, दो रन और 50 का आंकड़ा क्रॉस किया है टीम वंदना फैंस ने। स्कोर बढ़कर पहुंच गया 51 रनों पर। शुभ आपको हितेश भाई जो वंदना फैंस वाले हैं, जो उसके कैप्टन है, कमेटी मेंबर है, उनके लाडले उनके बेटे। मेरी YouTube वाली टीम और ऑनलाइन वाली टीम जो है, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लेयर्स के नाम प्रॉपरली मेंशन करें। अभी ये जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं, जो सिक्सर आया, फिर डबल आया और फिर जो डबल आया वो कमलेश जी के बैच से आया है। शुभ अभी तक ज़्यादा रन्स नहीं बनाए हैं, सो ये सब प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देते रहें। तीन स्कोरर साथ में है, उसके बावजूद भी अगर यूट्यूब पर प्लेयर्स के नाम को लेकर या स्कोर को लेकर मिस्टेक होगी तो ये। चार ओवर के बाद 53 रन एक विकेट के नुकसान पर। चार ओवर कंप्लीट हुआ है, चार ओवर के बाद 53 है। मैं नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए निवेदन करता हूं टीम वुमेन्स कैटेगरी से। तीर्थ एक तरफ है, तीर्थ ग्रुप, और दूसरी तरफ है इनोवेशन आइडियाज। कैप्टन प्लीज टॉस के लिए स्टेज के करीब आ जाएं। मेजॉरिटी ऑफ रन्स जो है वो कमलेश के बैच से आए हैं, अगर उसको चेंज कर सकते हैं यूट्यूब पर तो चेंज कर दें, अन्यथा आने वाली मैचेस में प्लीज ध्यान दें। शुभ आई थिंक पहली बार अब स्ट्राइकिंग एंड पर हैं तो फर्स्ट बॉल फेस करेंगे शुभ। तीर्थ ग्रुप और इनोवेशन की कैप्टन्स प्लीज आ जाइए टॉस के लिए। आखिरी ओवर है और देखते हैं 53 से कहां तक पहुंचती है टीम वंदना फैंस। नितिन भाई काफी एक्साइटेड थे, जो स्लोगन है हितेश भाई का वो बार बार नितिन भाई ने माइक्रोफोन पर भी कहा।
शुभ एक गेंद पर दो रन। क्रिक हीरोज पर जो स्कोरिंग है वो प्रॉपरली चल रही है, जो लोग क्रिक हीरोज पर देख रहे होंगे 10 बॉल में 19 पर हैं कमलेश जी जैन। वजह एक और ये भी है, कई ऐसे खिलाड़ी जो अरमान और आलोक को काफी लंबे समय से जानते हैं वो हमें कॉल करके पूछते हैं कि अरमान भाई ये स्कोर एलईडी पर गलत बता रहा है, मेरा नाम नहीं है इस पर, किसी और का नाम है, मेरा नाम ये है और मैंने इतने रन अब तक बनाए हैं। सो इसलिए निवेदन है कि एलईडी पर या तो कंफर्म स्कोर डालें या फिर नहीं भी डालें तो हम प्रॉपरली अनाउंस करते रह रहे हैं। वाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन, लेकिन कमिटी कह रही है नहीं अरमान भाई एलईडी पर स्कोर चाहिए ही, तीनों स्कोरर साथ में रहें और कोई मिस्टेक ना हो इस बात का ध्यान दें। इनोवेशन आइडियाज स्टेज पर आ चुके हैं कैप्टन और सामने है तीर्थ ग्रुप। यहां पर विकेट और हम कपिल भाई क्या मैन ऑफ द मैच भी देंगे गर्ल्स के जो तीन मैचेस हुए हैं या फिर शाम को देंगे? ये कपिल भाई कह रहे हैं कि शाम गर्ल्स के मैन ऑफ द मैच हम गेस्ट के हाथों से ही देंगे, ऐसा कपिल भाई कह रहे हैं। सो टॉस करते हैं हम यहां पर। आज के दिन का गर्ल्स का जो पहला मैच है वो है इनोवेशन आइडियाज और तीर्थ ग्रुप के दरमियान। कैप्टन्स रेडी हैं, चलिए तुरंत टॉस के लिए जुड़ते हैं क्योंकि विकेट गया है और कुछ मौका मिलता हुआ यहाँ पर। सो ओवर टू टॉस सेरेमनी। तो रुक जाइए, मुझे लग रहा है कि इनिंग्स के दरमियान में कैप्चर कर पाएगी यूट्यूब की टीम, दो तीन बॉल बची है उसके बाद ही करते हैं। भरत भाई रुकिए क्योंकि गर्ल्स का टॉस है तो उसको हम यूट्यूब पर भी डिस्प्ले, तब तक के लिए जितने फोटो सेशन वगैरह करने हैं सेल्फी वगैरह गर्ल्स को लेनी है वो कंप्लीट कर लें। ये ओवर नंबर पांचवा है, अब तक का जो स्कोर नजर आ रहा है वो 57 है क्रिक हीरोज पर। आई होप कि क्रिक हीरोज का जो स्कोर है वो प्रॉपरली चल रहा है और आज तो एम्पायर्स और स्कोरर को वॉकी टॉकी भी दी गई है, सो नाम को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसी उम्मीद है। एम्पायर्स और स्कोरर आपस में बात करके जब भी न्यू बैटर या न्यू बॉलर आ रहे हैं तो उनके नाम कन्फर्म करते रहेंगे। एक और वाइट बॉल, अभी भी दो गेंदे शेष हैं, जैसे ही पारी समाप्त होगी पहली तब हम टॉस के लिए जुड़ेंगे और हमारे जो स्ट्रेट में कैमरामैन है उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि जब पारी समाप्त हो तो आप तुरंत टॉस कैप्चर करने के लिए मूव कीजिएगा अपने कैमरा को। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है इनोवेशन आइडियाज टीम की कैप्टन के द्वारा भी और तीर्थ ग्रुप की टीम के द्वारा भी। कुछ डिस्कशन चल रहा है और इस समय हम कैप्चर कर रहे हैं टॉस सेरेमनी। ओवर टू आलोक, ओवर टू टॉस सेरेमनी। मुस्कान, दीति, ध्रुवी, नीलम, आप लोग थोड़ा सा एक तरफ हो जाओ क्योंकि कैमरा पीछे से कैप्चर कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी आ रहे हो, सो एक साइड में हो जाइए आप लोग। थैंक यू। दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, अब हमें इतना भी आसान ना समझा जाए, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान ना समझा जाए। और हम भी बेटों की तरह जीने का हक मानते हैं, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। ये जो हमारी गर्ल्स है, जो धाकर गर्ल्स है, उनको आप ग्राउंड में देखने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब इस ग्राउंड की खूबसूरती चार चार करने वाला है, अब जाके इस गर्मी में भी ना वो ठंडक आपको महसूस होगी, अब जाके कहीं ज्यादा कमिटमेंट डेडिकेशन नजर आएगा। ये लड़के क्या कहते हैं, तो सिर्फ ऐसे कर खेलते हैं बस, पैसा लग रहा है। अब आपको असली क्रिकेट ग्रैंड फिनाले के पहले का पहले कप वाला जो थ्रिलर है आपको नजर आएगा ना, मित्रों सारे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप लोग खेलना वैसे। हाँ चलिए टॉस के चलते। हाँ वो मुझे कोई डाउट नहीं है, थोड़े अपने समाज में। तो दो गर्ल्स हैं, दोनों टीमें यहाँ पे हैं, एक तरफ है टीम इनोवेटिव आइडियाज इनोवेशन आइडियाज एंड क्या वजह होता है, क्यों आप लोग डिसाइड करते हैं?
जो भी डिसीजन आ रहा हो अंपायर का, एक बार स्कोरर को कंफर्म कर दें, उसके बाद मैच को आगे बढ़ाएं प्लीज। आई रिपीट, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। जी हाँ, थैंक यू। सो वाइड बॉल कॉल है अंपायर की तरफ से। बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग अहिंसा कप 2023। शुभ है स्ट्राइकिंग एंड पर, इस बार कोई कनेक्शन नहीं। ये आखिरी ओवर है, सनिल गेंदबाजी कर रहे हैं, सनिल परमार। डॉट रहती हुई गेंद, इस समय जो स्कोर नजर आ रहा है वंदना फैंस की टीम का वो 58 रन्स है। एक रन तो तय है, आखिरी गेंद, इसलिए शुभ रिस्क ले रहे हैं कि अगर दूसरा मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन गुंजाइश नहीं थी। सो आखिरी गेंद पर आया सिंगल और एक रन आउट। टोटल जो रन्स बने हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज जो मुझे नजर आ रहा है वो है 59 और टारगेट रखा गया है 60 रन्स का। 59 बनाए वंदना फैंस ने और समर्पण के सामने टारगेट। तीन टीमें हैं, इनके जो ओनर्स हैं उन पर नजरें डालते हैं। तीन ओनर्स हैं तीन टीमों के। इनोवेशन आइडियाज टीम के जो ओनर हैं वो हैं स्वर्गीय रेखा सुरेंद्र पुनमिया नाडोल खींचा। क्वींस की जो टीम की ओनर हैं वो हैं शाह रोशन राज जी खींचा। और तीर्थ ग्रुप टीम के ओनर हैं तीर्थ ग्रुप TPS बोरीवली। मेन्स टीमों की अगर बात की जाए तो समर्पण सुपर किंग्स के टीम के ओनर हैं रमेश दलीचंद जी लोधा, श्री शांति जैन स्टोर बोरीवली ईस्ट। शाह थंडर्स टीम के ओनर हैं शाह मेरू हरीश शाह सादड़ी और शाह चेतन सुरेंद्र जी जैन नाडोल। वंदना फैंस के टीम के ओनर हैं श्रीमती कोकिलाबेन मांगीलाल जी पुनमिया। वॉलीड स्पोर्ट्स टीम के ओनर हैं शाह संयम विजयराज जी बाफना। AIC स्ट्राइकर्स 5S टीम के जो ओनर हैं वो हैं संघवी सायरबेन सागरमल जी श्रीशिमाल। ब्रेव हार्ट वॉरियर्स टीम के जो ओनर हैं वो ब्रेव हार्ट्स ग्रुप हैं। खींचा टाइगर्स टीम के जो ओनर हैं वो हैं शाह रोशन राज जी खींचा। ये सभी टीम के ओनर्स का भी बहुत बहुत आभार। ऑफिशियल्स आ जाएं प्लीज, जल्द से जल्द दूसरा इनिंग स्टार्ट कीजिए। समय को ध्यान में रखते हुए गेम को स्टार्ट कीजिए और एंड कीजिए और कोई भी डिस्कस एम्पायर से ना करें। जो भी एम्पायर का डिसीजन होगा वो आखिरी डिसीजन होगा। हितेश गेंदबाज होंगे और दोनों ही सलामी बल्लेबाज का नाम प्लीज एम्पायर चेक करके बताएंगे। वॉकी टॉकी है उनके पास। मैं हमारी गर्ल्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नींबू पानी पी लें, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी रखा हुआ है वो भी खा लें क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और हम नहीं चाहते कि कोई भी डिहाइड्रेट हो, इसलिए एडवांस में भी दो तीन ग्लास और जब मैच चालू हो उस समय भी दो तीन ग्लास नींबू पानी पीकर ही मैदान पर उतरें। हमारे वाटर एंड बेवरेजेस को जो स्पॉन्सर हैं उनके भी हम बहुत आभारी हैं। सभी स्पॉन्सर्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर बात की जाए वाटर एंड बेवरेजेस स्पॉन्सर की तो वो हैं रिलायंस प्लास्ट, रिवर प्लास्ट, शाह जवार जी जैन, घने राव,
यूट्यूब के हमारे स्पॉन्सर हैं ओम स्टेट एजेंसी, विजय जी मुलानी। हमारे और जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें फेयर प्ले अवार्ड के स्पॉन्सर एडवोकेट अमित जी जैन, हिट एंड विन द प्राइज, हिट द बोर्ड एंड विन द प्राइज के जो स्पॉन्सर हैं वो है द फ्रेश प्रेस। अंपायर एंड स्कोरर के स्पॉन्सर हैं मेट्रो वॉच, ओम वॉच। दूसरा इनिंग स्टार्ट हो रहा है, आरंभ हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। और ये पहली गेंद, दूसरे इनिंग की पहले ओवर की पहली गेंद हिमांशु स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अमित, डॉट गेंद के साथ स्टार्ट होता हुआ। और जो पिछले इनिंग में हमें लास्ट ओवर में देखने को मिला, एम्पायर से कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करे। ये लीजिए 100 कैच यहाँ पर हितेश जी गेंदबाजी करते हुए, और ये ब्लाइंडर कैच था हितेश जी के हाथों में। थैंक यू डीजे। जिस तरह हम अपने गांव में जाएं और आम के वृक्ष पे फल लगे हों और छोटे छोटे हाइट वाले वृक्ष हों, उसमें हम एक हाथ से आम तोड़ लेते हैं और इंजॉय करते हैं उस आम का, उस तरह से यहां पर इस कैच को 100 पकड़ लिया हितेश जी ने। यश इंटरप्राइज विकेट का पतन, पहला बल्लेबाज आउट हो गया पहले ही ओवर में, सफलता टीम के कैप्टन, टीम के ओनर हितेश जी के नाम। हमारे और स्पॉन्सर्स की अगर मैं बात करूँ तो कैप के स्पॉन्सर हैं बाफनाज, कमलाबेन सोहनराज जी बाफना। एक और अच्छी गेंद जिसे हल्के हाथों से फ्लिक करते हुए ऑन साइड में मोड़ा है, एक रन मिलेगा और दूसरे की भी तलाश है, खतरा हो जाता अगर थ्रो सटीक होता, और ओवर थ्रो में भी गुंजाइश बन रही है यहां पर कुछ और रन्स की, जहां दूसरे में ही विकेट के चांसेस थे वो विकेट का चांस भी समाप्त हुआ और तीसरा रन भी दौड़ कर पूरा किया गया। एलईडी के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं समर्पण होम्स, श्री शांति जैन स्टोर, रमेश जी दलीचंद जी लोधा। बहुमान के स्पॉन्सर हैं कोठारी स्टोन्स इंडस्ट्रीज, सागरमल जी जीवराज जी कोठारी। वेन्यू के हमारे स्पॉन्सर हैं नॉर्थ हिल्स, नटवर जी पुरोहित। दोस्तों ये सभी नाम आप सुन रहे हैं इस वर्ष के जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके, ऑक्शन के स्पॉन्सर मैक्सप्रेस, श्री वल्लभ मेटल, स्वर्गीय श्रीमती सरसोबाई भिकमचंद जी छाजेड एंड फैमिली। ट्रॉफी के स्पॉन्सर मैक्सवेल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमान संजय जी बस्तीमल जी सुराना। टी शर्ट के स्पॉन्सर मियाँ चंद जी किशोर चंद जी रणावत। फूड के स्पॉन्सर आशा महावीर जी मेहता। और मुख्य जो प्रायोजक हैं, प्रमुख प्रायोजक वो हैं अहिंसा ग्रुप TPS बोरीवली। 2024 के जो मुख्य प्रायोजक हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा खातेड़ फैमिली का, लुपेश जी खातेड़ और अशोक जी खातेड़, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग। और 2024 में जो कप है वो खातेड़ कप के नाम से खेला जाएगा। हमारे प्रमुख प्रायोजक अशोक जी खातेड़, लुपेश जी खातेड़, खातेड़ कप 2024 पहला जो स्पॉन्सर है वो कंफर्म हो चुके हैं। और भी कोई अगर अगले वर्ष के लिए अपनी स्पॉन्सरशिप में नाम दर्ज कराना चाहे तो वो हमारे कमिटी से संपर्क कर सकते हैं। एक ओवर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Yeah.
से मन के अंतःकरण की गहराइयों के पूरे सम्मान और आदर से हम स्टेज पे कृपा पूर्वक गुजारिश करते हैं श्रीमान नरोत्तम जी सिंघवी साहब, नरोत्तम जी के साथ साथ श्रीमान आनंद जी, बाबुल पल जी साहब, समय का ध्यान रखिए। टीम मैनेजमेंट से कल से ही कहा जा रहा है कि तय सीमा पर हर एक मुकाबला, हर एक इनिंग समापन हो। कमलेश गेंदबाज थे, दूसरे ओवर की पहली गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, सटीक लाइन और लेंथ थी, एक रन। मैं निवेदन करूंगा कि मैच को प्लीज आगे बढ़ाएं, हर एक डिसीजन को लेकर प्लीज एम्पायर से बहस ना करें। अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला डिसीजन या मोमेंट आता है तो ऐसे में हमारी कमेटी हमें हेल्प कर रही है लगातार। आई होप कोई चोटिल ना हुआ हो, एवरीथिंग इज फाइन। सिक्सटी का है टारगेट, दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। इस मैच में ऑलरेडी दोनों इनिंग्स को मिलाकर अभी तक तो चार ओवर अभी भी बाकी, अगर इस ओवर को भी हम जोड़ लें तो, और तकरीबन 35 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। निवेदन है कि सर थोड़ा सा मैच के रफ्तार को बढ़ाइए। अभी तीन गर्ल्स के लीग मैचेस हैं, उसके बाद क्वार्टर फिनाले, सेमीफिनाले, फाइनल्स, ये सभी मैचेस आज खेले जाने हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि फाइनल डे में बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग, जो कि हमारा खेल कम सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा होता है, जो हमारे संस्कार हैं, सभी स्पॉन्सर्स का बहुमान करना, उनका सम्मान करना, वो भी एक बड़ी कड़ी जो शाम के वक्त
आज कंप्लीट की जाएगी। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग में, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग शाम के वक्त अगर किसी भी काम में बिजी हैं तो थोड़ा सा वक्त निकालिए और 6 बजे इस मैदान पर ज़रूर उपस्थित रहिए। तकरीबन 6 से 7, 7:30 के दरमियान हम हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुमान भी करेंगे मैदान पर। दैट्स इट फ्रॉम द स्टेज, लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ, ओवर टू कमेंट्री टीम। थैंक यू अरमान जी। फिर एक बार रुकता हुआ खेल सीमा पे, अब तक कह रहे थे अरमान जी कि कल भी हमें देर रात तक ये मुकाबला खेला गया। टूर्नामेंट को अगर सफल बनाना है, एक अच्छा टूर्नामेंट तभी सफल होता है जब प्रत्येक मैनेजमेंट के खिलाड़ी और प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक टीम जब अपना योगदान देती है तभी एक अच्छा टूर्नामेंट सफल होता है। तो अपना योगदान दीजिए ताकि इस अच्छे टूर्नामेंट को अच्छे तरीके के समापन करें। हर एक खिलाड़ी का सम्मान कीजिए, अंपायरों का सम्मान कीजिए, जो भी निर्णय है अंपायर लेते हैं उनका सम्मान कीजिए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, तो सम्मान कीजिए। और तय सीमा पे जो भी वक्त दिया गया है उसे पूरा कीजिए और खेल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहिए, बाकी सभी चीज़ों को भूलकर टाइम पर जो आपको टाइम दिया गया है, एक इनिंग को मात्र 20 मिनट दिया गए हैं, तो 20 मिनट के अंदर आप एक इनिंग को समापन करने की कोशिश कीजिए। इसी वजह बैक टू द गेम। लो फुल टॉस थी, हल्के हाथों से ढकेल दिया ऑफ साइड के जाने पर, एक रन। के है 4 दिन जी हाँ दोस्तों, बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग के हमारे टाइटल स्पॉन्सर अहिंसा ग्रुप टीपीएस बोरीवली। दो ओवर समाप्त हुआ और दो ओवर के बाद स्कोर है 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब 3 ओवर में चाहिए 45 रन, 18 बॉल 45 की आवश्यकता।
पावर प्ले का ओवर और इस ओवर में मुकेश आए हैं गेंदबाजी करने, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं विद गुड इकोनॉमी, पर्पल कैप के हकदार मुकेश वंदना फैंस के लिए गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अहम ओवर में। यह तीसरा ओवर, अगर इस समय में हाईएस्ट विकेट टेकर और हाईएस्ट रन गेटर पर नजरें डालूं, बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग, गेंदबाजी में अभी भी मुकेश सबसे ऊपर हैं। हालांकि तीन विकेट लेने वाले दो तीन गेंदबाज और हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से मुकेश सबसे ऊपर। मेंस कैटेगरी का ये आखिरी लीग मैच है और ये मैच डिसाइड करेगा कि टॉप एट टीमें कौन सी हैं। हालांकि ऊपर की तीन चार टीमें तो लगभग कंफर्म हो चुकी हैं। ये वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ, स्कोर इस एक्स्ट्रा रन से बढ़कर पहुंचा है 21। एक और वाइट बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, एक और एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ रहा है। समर्पण सुपर किंग्स की टीम 60 रनों का पीछा कर रही है। हमारी गर्ल्स के मैचेस की शुरुआत होगी इस मैच के बाद और यह जबरदस्त शॉट है बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष जैन के बैट से निकलता हुआ यह स्ट्रोक, गेंद चली जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। पावर प्ले के ओवर में पावरफुल स्ट्रोक, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज सिक्स। पावर प्ले का ये ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में। मुकेश तलाश होगी एक विकेट की, डॉट बॉल के साथ तीन ओवर समाप्त। तीन ओवर की समाप्ति के समय स्कोर है 28। अब 12 बॉल और 12 बॉल पे चाहिए 32 रन। वंदना फैंस थोड़ा सा जल्दी मैच को आगे बढ़ाएं सर, बार बार ये निवेदन है। नए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और शायद रौनक नज़र आ रहे हैं मुझे, जी हाँ कन्फर्म करेंगे हमारे एम्पायर्स, रौनक आ रहे हैं गेंदबाज। 12 बॉल पे चाहिए 32।
अच्छे पोएट भी हैं हमारे बीच, रजत भाई, सुरेश भाई, इनकी जो शायरी है, इनकी जो पोएट्री है वो बहुत खूबसूरत, वो भी हम एंजॉय करेंगे। निर्मल जी, निर्मल साहब, निर्मल भाई गए क्या? सुधीर भाई, स्वर्गीय ललित भाई, स्वर्गीय मोहन जी, मोहन जी ललित भाई के पिताजी का यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज शाह। पूछना है कि मैदान के गेट से लेकर लिंक रोड तक ऑटो शटल की सेवा रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी कम आती हैं अंदर, इसलिए अगर किसी को यहाँ से लिंक रोड तक जाना हो तो उसके लिए हमारी कमेटी ने ऑटो शटल की सेवा यहाँ पर उपस्थित कराई है। दो ऑटो हैं जिस पर हमारे इवेंट की ब्रांडिंग भी है, उनके नंबर हैं 3230 एंड 3059, आप उसके थ्रू लिंक रोड तक जा सकते हैं। धन्यवाद। सनील परमार के बैट से वो सिक्सर हमने देखा, ये चौथा ओवर इस समय। एक और निवेदन है, रिक्वेस्ट है कमेटी की तरफ से कि वाटर बॉटल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं हमारे वाटर एंड बेवरेजेस के पार्टनर की तरफ से, लेकिन प्लेयर्स से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आधा बॉटल पानी पीकर ना फेंकें। अगर आप वाटर बॉटल ले रहे हैं तो पूरा वाटर कंज्यूम करें, वाटर वेस्ट ना करें, और वाटर की जो बॉटल्स हैं उसे डस्टबिन में ही फेंकें। सो ऑटो शटल की सेवा शुरू की जा चुकी है मैदान से लेकर लिंक रोड तक, आपको जाने के लिए ऑटो शटल सेवा की गई है।
इस मैच के बाद थोड़ा मुंबई इंडियंस के मैचेस खेलेंगे, जो बाउंड्रीज है, जो प्लेज है, सब के लिए कैसे तैयारी करना है, प्लीज आपका ख्याल रखिए। छह पे चाहिए 20 और पहली गेंद पर एक कैच ड्रॉप। नए बैटर सनिल परमार आए हैं, सिक्सर से ही उन्होंने अपनी पारी का भी आगाज किया था। इस दो रन की मदद से स्कोर 42 हुआ, पांच बॉल पे 18 रन चाहिए। सनिल पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये लंबा चेज जो 60 रनों का था, एक तरफ कैप्टन अमित थे जो अभी तक टिके हुए हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, और अब सनिल उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं। मनीष ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। अब जो इक्वेशन है वो चार गेंदों में 17 रनों का है। चार पे चाहिए 17 और अमित के बैट से ये जबरदस्त शॉट है। क्या ये सिक्सर होगा? जी हाँ, मच नीडेड सिक्सर था। गेंद चली गई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, ये आता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज सिक्सर। अमित भाई स्ट्राइक पर, तीन पे चाहिए 11। ये तो गेंद खराब है, फिर से रन्स मिल जाएंगे पूरे यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के। चार रन्स अब गेंदें बची हैं, इसके बाद दो और दो गेंदों में 7 रनों की है जरूरत। सो ये मैच 2-7 और कहीं ना कहीं अब दोनों टीमों के लिए मौका एक बराबर आ चुका है। इस ओवर की शुरुआत के पहले 18-20 रन के आसपास थे, वो ज्यादा रन रहे थे, लेकिन अब 2-7 आप कहेंगे अब ये मैच इनके गिरफ्त में है। गिरफ्त इसलिए भी है क्योंकि दो गेंदों पे बाउंड्रीज आई है, एक सिक्सर और एक चौका। सो दो गेंदें 7 रन भी काम के बैठिए, लड़कने तो बढ़ी होगी दोनों टीमों की, लेकिन इसके साथ मजा भी जो है वो दोगुना हो चुका है। बोली बड़ी मारवाड़ी चैन प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाई अहिंसा ग्रुप की उपस्थिति और उनके प्रेजेंस के बाद आप देखिए मैच और अच्छा। आप लोग नहीं आए थे सर, इतना अच्छा नहीं हो रहा था, आप लोग जाने के बाद देखिए मैच, ये जो बेजान सा मैच था उसमें जान आ गई इन सब लोगों वालों आपके आने के बाद। दो गेंदों के साथ की जरूरत, टू बॉल्स 7 रन्स और क्या अमित भाई ने फिर से ये कारनामा किया। जी हां, लेडीज एंड जेंटलमैन सिक्सर दिस टाइम। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, कटवीर तुम्हारे खून में पानी बहुत है। अब एक पे एक का स्कोर साल लेवल काम ऐसा करे कि जमाना देखे और याद रखे। आसान काम कोई नहीं याद रखता है, 6 पे 6 चाहिए, 5 चाहिए, नहीं तो हारो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई बता नहीं देगा। एक पे काम अभी भी बाकी है, काम अभी भी बाकी है एंड हमारे फेयर प्ले पार्टनर स्मार्टली खेलने और खेलकर इस मैच को आप सोचिए पे 20 था, 7 पे 24 था और उस वहां से उस मोड़ से ये जीत अपने नाम दर्ज कराई। समर्पण सुपर किंग्स के कैप्टन, हमारे फेयर प्ले अवार्ड के स्पॉन्सर अमित जी ने ग्राउंड्समैन आ जाए प्लीज मैदान पर, हमारे इस मैदान के ग्राउंड्समैन। बधाइयों का ताता सा लगा है अमित को,
दुनिया में दो तरीके से आप जीते हैं, एक तो ऐसे जीते हैं कि जिंदगी बस गुजारते हैं, और दूसरी वाकई आप जीते हैं